कांदिवली पूर्व विधानसभा क्षेत्रातील मालाड पूर्व मधील पावसाळी कामे तसेच नाले सफाई कामाची पाहणी भाजप नेते आमदार अतुल भाटखळकर यांनी केली। मालाड सबवे आणि पाटकरवाडी परिसरात पाणी उपसा करणारे अतिरिक्त पंप बसवण्याचे निर्देश आमदार भाटखळकर यांनी पालिका अधिकाऱ्यांना दिले। याशिवाय मालाड सबवे जवळ रेल्वेच्या हद्दीत मायक्रो टनेलिंग करून पाण्याचा निचरा होण्यासाठी अधिकचे मार्ग उपलब्ध करण्याच्या कामाला सुरुवात झालेली आहे। या कामाला गती देऊन काम पूर्ण करण्याचे निर्देशही यावेळी आमदार भाटखळकर यांनी दिले। मालाड पूर्व मधील वॉर्ड क्रमांक 36 आणि 55 मधील पावसाळा पूर्व कामांची पाहणी करण्यात आली। त्यात पुष्पा पार्क, सेंट जोसेफ स्कूल जवळील नाला, दत्त मंदिर रोड वरील इंद्रवन सोसायटी जवळील नाला, मंचुभाई रोड सबवे नाला, पाटकरवाडी देवचंद नगर जवळील नाला या ठिकाणाचे नाले सफाई कामचा आढावा आमदार भाटखळकर यांनी प्रत्यक्ष जाऊन घेतला। अपूर्ण रस्ते पूर्ण करणे, खड्डे भरणे, पाणी भरणारी ठिकाणे शोधून त्यावर उपाय योजना करणे, गटरांची स्वच्छता करणे, गटार तसेच नाला बाहेर काढून ठेवलेल्या गाळाचे तत्काळ विल्हेवाट लावणे यासह विविध विषयांवर आमदार भाटखळकर यांनी महापालिकेच्या पी उत्तर विभाग कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली। यंदाच्या पावसाळ्यात नागरिकांना त्रास होऊ नये, कुठेही पाणी भरू नये याबद्दलची दक्षता पालिका अधिकाऱ्यांनी घ्यावी असे निर्देश आमदार भाटखळकर यांनी पालिका अधिकाऱ्यांना दिले। नहीं, नाले सफाई का काम और मानसून पूर्व जो अलग अलग काम है, रास्ते के काम बड़े पैमाने पे चालू है, तो बारिश के समय लोगों को कोई भी दिक्कत न आए इसके लिए आज मैंने मालाड पूर्व विभाग का एक दौरा किया है और मुझे लगता है कि महानगर पालिका ठीक तरह से काम कर रही है। लगभग सभी नालों की सफाई भी हुई है। जहाँ जहाँ खामियाँ है वहाँ दूर करने का हम आने वाले दिन में, दो तीन दिन में वो भी काम पूरा करेंगे और बारिश अच्छी होगी ये भी भगवान से प्रार्थना है। लेकिन साथ साथ में अच्छी बारिश होने के बाद भी लोगों को बारिश के कारण कोई तकलीफ भी होगी नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था हम कर रहे हैं। दौरे के दौरान आपसे लोगों ने भी मुलाकात की है, उन्होंने कई शिकायतें भी आपको बताई है, उसको किस तरह से देखा जाएगा, चाहे बात की जाए सड़कों की या फिर नालों की बात की जाए? नहीं, ऐसा है, आपने देखा है कि पूरे मुंबई शहर में सीसी रोड निर्माण करने का एक बड़े पैमाने पे काम हमारे सरकार ने हाथ में लिया है और इसके लिए कई काम पूरे हुए हैं, कई रोड के बचे हुए हैं, वो बारिश के बाद वापस चालू करेंगे। और उसके लिए मुझे लगता है कि लोगों ने अपनी अपनी समस्या जो रहती है वो मेरे पास सामने रखी है, उस पर तुरंत महानगर पालिका के माध्यम से हम उपाय करेंगे। कई सुझाव भी आपने दिए हुए हैं, उसको किस तरह से देखें? जैसा मैंने आप देखा है, अभी ये बीच में का पैच रह गया है तो अभी वो डाम्बर से टेम्पररी करें, बारिश के बाद अक्टूबर के बाद वापस सीसी रोड ये पूरा हो जाएगा। और इसके लिए ऐसी छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें होती है वो देखने के लिए और वो लोग महानगर पालिका अधिकारियों को उजागर करने के लिए तो आज का दौरा है। मुझे लगता है कि सही अर्थों में एक यशस्वी इस पद्धति का ये दौरा है।